नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भागलपुर स्मार्ट सिटी का एक नज़ारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां लोग बिजली विभाग के रवैये से काफ़ी परेशान हैं और लोग यहां पे काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने से बिजली विभाग की लापरवाही के कारण तार जोड़ रहे हैं। कई बार तो यहाँ पर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण करेंट का भी शिकार होना पड़ा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या परेशानी है उनको। बताइए क्या परेशानी है। जी सर, हम लोगों को बहुत परेशानी है। हम लोग मुख्य मार्ग यानी सिटी से मेन तार खींच करके अपने घर तक लाए हैं, जो कि काफ़ी दूर अंदर है अपने घर। जो जितने भी यहाँ के महिला लोग हैं, सब लोग अपना अपना वहीं से तार लाए हैं, खंबा खुट्टी बाँस लगा करके। तो कुछ ओस पानी लग करके वो खंबा खुट्टी टूट गए हैं, तोड़ करके सारा तार जो है नीचे हो गए हैं। इनके कारण जो है तो कई व्यक्ति को, बच्चे लोग खेलते हैं यहाँ पर, तो बच्चे लोग कभी धोखे से बच्चा नाच में होते हैं, तार पकड़ लिया, उसको करंट लग गया। कई खस्सी भी यहाँ पर घुलट गए, ऊपर करंट लग के मर गए। अभी दो दिन पहले एक व्यक्ति को बहुत ख़राब शॉट लगा, उसको हम लोग लकड़ी पर ला करके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने निकट में ही किसी डॉक्टर के यहाँ उसको इलाज करा के उसको घर लेकर आए। कभी एक बार जानकारी मिली थी कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को करंट भी लगा था, तो जी सर हम ही हैं। मेरा नाम अहमद हुसैन हुआ, हम ही को यहाँ रमज़ान में 22-23 रमजान को हमको करंट लगा था, तार गिर गया था मेरे ऊपर। हम आ रहे थे, घर ही जा रहे थे अपना, मेरे ऊपर ही तार गिर गया था। क्या समस्या है आप लोग की? हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग का बिजली जो घर तक आनी चाहिए, जो सुविधा आना चाहिए सरकार की, वो तक नहीं आती। जो अपने अपने पैसे खर्च करके अपने अपने तार दौड़ा करके कहीं पर परेशानी होता है, किसी को करंट लग जाता, तार गिरने के बाद किसी पर करंट भी आ जाता है, तो ये सब परेशानी मसला हल हो जाए। ऐसा बारिश के मौसम में बांस का जो यहाँ पे पोल लगा हुआ है, उसके कारण क्या परेशानी होती है और तार उसमें जो लगा हुआ रहता है? परेशानी ये है कि बांस जब तक जो मतलब अच्छे रहते हैं तो बांस के जो लगा ही रहता है, सड़ जाता है तो फिर किसी को आदमी पर हादसा का शिकार हो जाता है। तो सरकार इस पर ध्यान दे इस पर कि वो अपना अंजाम दे कामों के, किसी को व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुँचे। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या फिर किन्हीं को बिजली विभाग को इसकी सूचना दिए हैं? सूचना तो दिया हुआ है, लेकिन अभी तक तो कोई काम का आशा नहीं आया हुआ। अगर काम का आशा होता तो कोई व्यक्ति परेशान नहीं होते। तो आइए देखते हैं और एक बताइए क्या परेशानी है आप। देखिए ये मोहल्ला जो है मदनी नगर, अहमद नगर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ का लोग काफ़ी परेशान है। बहुत सा गली में बिजली का पोल नहीं पहुँचा है और गड्ढा है। एक तो यहाँ का नया बसोबासी होने के नाते हम लोग गिरते हैं, पछड़ते हैं, उसके बाद भी बिजली की कोई समस्या अब तक हल नहीं हुआ। अच्छा, तो आइए कुछ और लोग हैं यहाँ पे मौजूद जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए तो क्या परेशानी है। देखिए परेशानी इस बात की है कि पहले तो ये NH80 से जो है लोगों ने अपना अपना तार लेकर के आया है, ये तार इतना लटक चुका है कि जैसे बांस लगाता है, बांस लगाने के बाद बरसात का समय आता है, बांस लग जाता है। बांस लगने के बाद लोगों को ये परेशानी है कि बच्चे लोग जा रहे हैं, अब किसी तरीके से तार कट गया, किसी को करंट लग गया, मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाता है। इसलिए बिजली बोर्ड आती है देख लेती है चली जाती है। इसलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि बिजली बोर्ड आपके माध्यम से बिजली बोर्ड यहाँ आवे हैं। आप लोगों के द्वारा जानकारी मिली थी कि बिजली विभाग को कुछ पैसे भी दिए थे आप लोगों ने? और तो ये कहने का मतलब ये है, एक चीज़ और कि यहाँ ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है, जो कि इस मोहल्ले में लाइन आया है अहमद नगर में, तो ट्रांसफार्मर में जो हैंडल होता है, अगर किसी को करंट लग गया तो जल्दी से जाके गिरा दे, उसमें आज तक मतलब जो है हैंडल नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ मर जाए आदमी या कुछ हो जाए या लाइन कट जाए, मतलब किसी तरीके से तार कट जाए, तो कोई सुनने वाला ना है। इसके लिए अब जो है पब्लिक परेशान रहता है, सुनने के लिए कोई बिजली बोर्ड को कहता है तो वो बस अब लग जाएगा, कल लग जाएगा, मगर करता नहीं है। आइए हम इनसे बात करते हैं। इनके द्वारा जानकारी मिली थी कि बिजली विभाग के द्वारा जो है कुछ पैसे की मांग की गई थी, जो आपने दिया था, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। हम लोग 17,000 रुपये और चंदा करके, छोटा मोहल्ला गरीब मोहल्ला है, हम लोग आपस में चंदा करके 17,000 रुपये उसको पुरा के घनश्याम को दिए हैं, जो बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उसने क्या किया, काफ़ी दूर दूर में पोल ला के गाड़ दिया, और उसने ये भी बोला था कि हम इसमें सारा तारों टनिया करके सब चीज करके आपके घर तक लाइन पहुँचा के दे देंगे, पर उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। उसके विपरीत बहुत बिजली डिपार्टमेंट से आदमी आते हैं, हाँ कल से हाथ लगेगा, एक हफ्ते में काम हाथ लगेगा, ऐसा 2-3 महीने बोल के जा रहे हैं। बाढ़ का समस्या, बाढ़ आने वाला है यहाँ पर, अब हम लोग क्या करें आप ही बताइए। करीब कितने घरों में यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हो रही है? ये 200 घर हैं। हम लोग सर बिल भी देते हैं, ऐसा बात नहीं बिल नहीं देते हैं।
बाहर। बहरहाल अब देखना यह होगा कि कब तक इनकी समस्या दूर होती है। नाथनगर से सुमित कुमार शर्मा, सिल्क टीवी, भागलपुर।